इस वक्त हमारे साथ सोनाक्षी खुद हैं जो कि दबंग से डेब्यू कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कितना ज़्यादा डर रही हैं या बिल्कुल दबंग हैं इस वक्त। डर तो आई थिंक पास हो गया, अब मैं बहुत ही ज़्यादा दबंग फील कर रही हूँ एंड दबंग फीवर पड़ गया है मुझे, तो आई थिंक ये फीवर 10 सितंबर को ही उतरेगा। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सोनाक्षी, जब कहानी बताई गई कि सलमान है, अरबाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे पहला ख्याल मन में क्या आया? जब स्टोरी सुनाई गई तो आई थिंक मैं, मेरे पापा और माँ साथ में बैठे थे एंड इंस्टेंटली हम तीनों को बहुत ही अच्छी लगी ये स्टोरी। एंड आई थिंक सलमान खान का और अरबाज खान का इस फिल्म में होना वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट था मेरे लिए। इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पौधे कहां से। जब प्रोमो आया, प्रोमो देखा लोगों ने, सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट इंडस्ट्री से क्या मिला? सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था रानी मुखर्जी से। उन्होंने सलमान को फ़ोन किया था और मैं सामने ही थी, तो उन्होंने बोला कि उन्हें फ़ोन, सोनाक्षी को फ़ोन दो, और उन्होंने कहा कि वो एक डायलॉग देखकर मुझे लगता है कि तुम एक्ट कर सकती हो। एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट। का म्यूजिक आ गया, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। आपका फेवरेट एक कोई एक ट्रैक नंबर कौन सा? मेरा फेवरेट है ट्रैक जो मुझ पर है, तेरे मस्त मस्तों नैन। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल मेलोडी है उसमें एंड वो मेरा फेवरेट सॉन्ग हमेशा रहेगा। जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। फिल्म दर्शक क्यों देखें, आखिरी सवाल क्यों देखें, सोनाक्षी क्यों, क्या कहेंगी अपने दर्शकों से? आई थिंक आपको ये फिल्म देखना चाहिए कि क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, ऑफकोर्स अरबाज की फर्स्ट फिल्म है, अभिनव की फर्स्ट फिल्म है, और ऑफकोर्स चुलबुल उर्फ रॉबिन हुड पांडे के लिए ज़रूर देखिएगा दबंग। अभी तक सबको नहलाया है, अब सबको धोऊंगा।